मध्य प्रदेश पुलिस ने 19 वर्ष से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। इस पर 8 आदिवासियों के अपहरण के मामले में शामिल होने का आरोप है। पुलिस की ओर से इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जनपद टीकमगढ़ जिले में मई 2001 में बदमाश भगवान सिंह ठाकुर गैंग व धन सिंह गैंग ने मिलकर 8 आदिवासियों का अपहरण कर लिया था। अपराधियों से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए जंगल में दबिश दी गई थी। सूचना पर पुलिस ने गैंग को घेर लिया था। पुलिस टीम ने बदमाशों से अपहृतों को छोड़ने की अपील की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में भजनलाल नामक अपहृत के पैर में गोली लग गई थी, जबकि अन्य 7 अपहृत वहां से भाग निकले थे। बदमाशों की फायरिंग से आरक्षी शिवदयाल शहीद हो गया था। इस मामले में पिछले 19 वर्षों से फरार चल रहे 60 वर्षीय आरोपी मोहनलाल पुत्र घनश्याम निवासी समथर उत्तर प्रदेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठाकुर और धन सिंह की गैंग से जो मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे आरक्षक शिवदयाल शहीद हो गए थे, उसी में एक 10,000 का इनामी जो फरार चल रहा था, 19 साल से जो फरार चल रहा था, उसको आज पुलिस गिरफ्तार करने में सफल हुई है। ये आरोपी मोहन ढीमर, जो कि झांसी के थाना समथर में ग्राम छिट्टा में अपना गुजर बसर कर रहा था, इसको हम काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे इसका मूवमेंट, और मौका लगते ही लेधौरा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।